वेलकम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोना, आपकी हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइज़र। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मच्छरों से होने वाली मुख्य बीमारियां कौन सी हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। मच्छर आदि काल से मानव का दुश्मन रहा है। माना जाता है कि सिकंदर महान की मृत्यु मलेरिया से हुई थी, जो कि मच्छर के द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है। मच्छर कई बीमारियों के वाहक होते हैं, लेकिन इनमें तीन मुख्य हैं, मलेरिया, डेंगू और हाथीपाव। सबसे पहले मलेरिया। मलेरिया के प्रमाण प्राचीन काल से ही हमें मिलते हैं। मलेरिया एक प्रकार के सूक्ष्म जीव जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं से फैलता है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम खुद से किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि मच्छर जब किसी मलेरिया के रोगी को काटता है तो प्लाज्मोडियम रोगी से मच्छर के शरीर में चला जाता है, और जब यही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो प्लाज्मोडियम उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके मलेरिया रोग उत्पन्न कर देता है। मलेरिया को फैलाने वाले मच्छर का नाम एनोफ्लीज होता है। एनोफ्लीज की मादा ही मलेरिया की वाहक होती है। मलेरिया में तेज बुखार चढ़ता है और पूरे शरीर में कपकपी महसूस होती है, साथ ही रोगी तेज ठंड महसूस करता है। कई बार रोगी को उल्टी भी होती है। मलेरिया को आयुर्वेद में विषम ज्वर कहा जाता है। मलेरिया का बुखार निश्चित अंतराल पर होता है, जैसे बुखार हुआ उतर गया और फिर 24 घंटे बाद चढ़ गया। मलेरिया को पुराने जमाने में जानलेवा माना जाता था। आज भी दुनिया भर में मलेरिया के कई लाख केस साल भर में आते हैं। भारत में भी मलेरिया का बहुत प्रकोप रहता है और हर साल भारत में मलेरिया के केस लाखों में रहते हैं और सैकड़ों की तादाद में आज भी लोगों की इस बीमारी से मृत्यु होती है। हालांकि पिछले 10 सालों में मलेरिया के मामलों में भारत में रिकॉर्ड गिरावट आई है। आज के समय में मलेरिया की अच्छी दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं, जो मलेरिया पर काबू पाने में काफी हद तक सफल हैं। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा इलाज बचाव ही है। मलेरिया ना फैले, इसके लिए जरूरी है कि मच्छरों का उन्मूलन किया जाए। मच्छरों से फैलने वाली दूसरी भयंकर बीमारी डेंगू है। डेंगू एक वायरस से फैलता है, जिसे एडिस एजिप्टाई नामक मच्छर की मादा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचाती है। डेंगू में तेज बुखार चढ़ता है और तीव्रता की स्थिति में खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाने पर रोगी को विभिन्न मार्गों से रक्त स्त्राव होने लगता है, जैसे मसूड़ों से पेशाब के साथ। सही इलाज ना मिलने पर या रोग की तीव्रता उग्र होने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। डेंगू चूंकि एक वायरस जनित बीमारी है, इसलिए इसके लिए कोई प्रभावकारी एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है। रोगी का इलाज मुख्य तौर पर तीन लक्षणों के आधार पर किया जाता है। डेंगू के मामले में सबसे बड़ी सुरक्षा मच्छरों को पनपने से रोकना ही है। मच्छरों से फैलने वाली तीसरी बड़ी बीमारी है हाथीपाव या एलिफेंटियासिस। इसको मेडिकल भाषा में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी कहते हैं। इसमें शुरू में रोगी को बुखार चढ़ता है और अगर सही समय पर इलाज न मिले तो रोगी के हाथ पांव आदि बहुत मोटे और क्रूप हो जाते हैं। यह बीमारी एक प्रकार के राउंडवर्म जिसे वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टियाई से होती है। इस राउंडवर्म को भी एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में ले जाने का काम मच्छर ही करता है। फाइलेरियासिस का ट्रांसमिशन कई प्रकार के मच्छरों द्वारा किया जाता है, जैसे क्यूलेक्स, एनोफ्लीज आदि। भारत में लगभग 20 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इसके लिए कई दवाइयां मौजूद हैं, लेकिन समय पर इलाज ना मिलने पर कुरूपता स्थायी हो सकती है। इनके अलावा भी मच्छर कई बीमारियों के वाहक होते हैं, जैसे पीला बुखार आदि। मच्छरों के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं और उनसे इन रोगों के नियंत्रण में काफी हद तक सहायता भी मिली है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? डॉक्टर मोना को अपने विचार और समस्या कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। गाइस, आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।